बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आतिफ सुहेल और आप देख रहे हैं बुसाल टीवी। नाज़रीन, आज एक इंतहा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाबा वांगा कौन थी, उनकी मुकम्मल बायोग्राफी और उनकी की गई पेशेनगोइयों के बारे में आज ये मुकम्मल वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने का मज़ा भी आएगा और इसमें काफ़ी मालूमात हैं जो आप तक मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। बाबा वांगा एक बालगेरियन खतून थी जो कि नबीना थी। उन्होंने दुनिया के हालात के मुतल्लक इतनी ज़्यादा पेशेनगोइयाँ की हैं जो कि हकीकत में ज़्यादातर हकीकत के करीब से करीब तर थीं। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक पेशेनगोई की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो कि अमेरिका में दो जहाज़ लगेंगे। ये सारी मालूमात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बुसाल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ, जिससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि बाबा वांगा, इसके अलावा काफ़ी बातें उनकी दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं। बाबा वांगा जो खातून थी वो 31 जनवरी 1911 को बल्गेरिया के शहर वंजीला में पैदा हुई। उनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त थी, मतलब वो नॉर्मल जैसे डिलीवरी होती है ऐसे नहीं थी, वो वक्त से पहले ही हो चुकी थी। इनके इलाके में ये रवायत थी कि जो भी बच्चा पैदा होता था उसका नाम कोई अजनबी, राहगीर या मुसाफिर रखता था। हर इलाके की एक रवायत होती है, लेकिन ये उस टाइम की बात है 1911 की, मतलब 1911 की। तो इसकी हालत देख के यही लगता था कि ये बच्ची नहीं बचेगी, मर जाएगी, लेकिन खुदा का करना जब होता है तो वो फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इनकी दाई एक राहगीर के पास लेके गई, तो उसने इसका नाम वंजेला रखा था। तो वांगा की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसकी वजह से ये नबीना हो गई थी। ये एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, तूफ़ान ने इसको इतनी दूर जाके गिराया था, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर तक गिराया, जिसकी वजह से इनकी आंखें जो थी वो मिट्टी से भर गई थी। काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद भी लेकिन इनकी बेनाई वापस नहीं आ सकी। तो इसलिए कुछ लोगों का यही कहना है कि ये, मतलब जब से नबीना हुई हैं तो ये एक रूहानियत का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो ये रूहानियत के सिलसिले में काफ़ी पेशेनगोइयाँ करके गई हैं जिनमें काफ़ी सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो आज इनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। 1995 में इन्होंने एक नबीना स्कूल में जाना शुरू किया। वहाँ पर इन्होंने तकरीबन 3 साल तक जो है ना वो पढ़ाई की। ये ज़्यादातर यही पढ़ती थी आर्ट के बारे में, क्योंकि नबीना बंदा कितना पढ़ सकता है, तो यही कुछ इन्होंने सीखा हुआ था। और इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, गरीब होने की वजह से वो काम बहुत ज़्यादा 1939 में इनको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि जो फेफड़ों के मुतलक बीमारी थी। तो फेफड़ों के मुतलक बीमारी जब डॉक्टर के पास इनको ले गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, ये बहुत जल्दी मर जाएगी। लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि इनकी मौत नहीं हुई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही उस टाइम। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशेनगोई की हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले इन्होंने इनका जो इंतकाल हुआ है वो 11 अगस्त 1996 को इंतकाल हुआ था। तो इस इंतकाल से पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेनगोइयाँ की हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 1998 में इन्होंने बताया कि अमरीकी लोग एक तन्हाई इंतहाई खौफ में मुबतला हो जाएंगे, मसलन ऐसे हो जाएंगे कि हर तरफ खौफ तारी हो जाएगा, दहशत तारी हो जाएगी, 1-2 नागहानी परिंदे इन पर हमला करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशत फैल जाएगी। 2018 से 2023 तक चीनी दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, जो चीन है वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। हम अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं, तो आजकल आप देखें कि चीन के काफ़ी अच्छे हालात हैं, ख़ास करके ये जंग के हवाले या एटमी पावर के हवाले से। तो ये इनकी पेशेनगोई भी कुछ हद तक ठीक ही साबित होती है। तो यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। 2025 से 2028 तक दुनिया से भूख ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी और यूरोप में जो है वो तवानाई के काफ़ी ज़खायर हैं उनमें इजाफा होगा। 2033 से 2045 तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, ये एक बहुत अच्छी मतलब बात है। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। उनके बकौल 2033 से 2045 तक 2046 से 2070 तक इंसानी अजाब बनाए जा सकेंगे, जो कि
मतलब इंसानी अज़ा बनाने के बाद वो फिट भी हो जाएंगे, मसलन कोई किसी का गोड्डा गिट्टा नहीं है या ऐसा कुछ, मतलब जो उनके बकौल है, ये हम अपने पास से बात नहीं कर रहे, तो उसकी बनाए जाएंगे जिनकी वजह से उनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमेरिका मुसलमानों पर हमला करेगा और एक जदीद हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे दुनिया का जो दर्जा हरारत है वो तेज़ी से गिर सकता है। 2058 से 2161 तक एक मसनूई सूरज की वजह से रात को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक ऐसा सूरज बनाया जाएगा जिसमें रात नहीं होगी, हर तरफ आपको दिन ही दिन नज़र आएगा बकौल बाबा वांगा के, और इंसान रिपोर्ट की तरह हो जाएंगे। 2262 से 2304 तक सूरज ठंडा पड़ जाएगा और इसे मसनूई तौर पर जलाने की कोशिश की जाएगी, जो कि कोशिश रायगां जाएगी। तेईस सौ इकतालीस से 3805 तक कोई खौफनाक चीज़ खला से ज़मीन की तरफ बढ़ेगी और डर होगा कि ये ज़मीन से टकरा जाएगी, लेकिन ख़तरा आयन वक्त तक टल जाएगा, वो ज़मीन से टकराएगी नहीं। 3815 से 3878 तक लोग साइंस को भूल जाएंगे और जानवरों की तरह रहना शुरू हो जाएंगे। फिर एक शख्स आएगा कि उन्हें अच्छी तलीमात देकर इंसानियत की तरफ लाएगा। 4302 से 4605 तक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इंसानियत की तरफ वापस आ जाएगी और इस्लाम का बोलबाला स्टार्ट हो जाएगा और एक नए दौर का आगाज़ होगा। शैतानियत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और लोग खुदा की तरफ रागब हो जाएंगे। 5069 में उन्होंने कहा कि दुनिया का खात्मा हो जाएगा। ये थी बाबा वांगा की पेशींगोयां। इसमें मेरा कोई भी नहीं है अपने पास से और ना ही ऐसी चीज़ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी चीज़ बात करना भी गुनाह है, लेकिन मैंने जस्ट आपको उनकी कुछ जो बायोग्राफी थी वो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंतहाई अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं एक जल्दी ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।